सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। क्या हाल चाल आप सभी की? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20। मैं निकल गया हूँ अपने सफ़र पे भाई गोरखपुर। गोरखपुर जाने को मैंने बोला था, मैं और अमन जा रहे हैं साथ में। अमन को मैं लेने जा रहा हूँ उसके घर। बस अभी हम निकल रहे हैं सीधा हाईवे पे थोड़ी देर में। बस अमन को घर से उठाना है और सीधा फिर निकलते हैं हाईवे पे, और हाईवे पे आप लोगों से बात करते हैं बाकी की बातें। तो हम लोग मेन हाईवे पे आ चुके हैं, सामने निकल रहे हैं सूरज देवता। वहाँ का सीन बड़ा प्यारा लग रहा है, बादल जिस तरह से निकल रहे हैं उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है। सूरज उठ के सनराइज़ कभी भी देखो आप लोग। ये वही रास्ता है जहाँ से मैं पहले सुबह सुबह कॉलेज जाता था, तकरीबन 80 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो हम लोग को जाना है 325 किलोमीटर हम लोग को ट्रैवल करना है। अभी ट्रिप मैंने सेट कर दी है ट्रिप वन पे, अभी 6.5 किलोमीटर चला चुके हैं। अंदर से नहीं सेट की थी, यहाँ पर आके सेट की है, तो करीबन 10 किलोमीटर के ऊपर हम चला चुके हैं। तो अभी जब मैंने सेट की तो उसके हिसाब से 6.6 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। और बाकी अपना एवरेज जो होगा वो मैं भी कैलकुलेट करूँगा और बताऊँगा आप लोगों को कितना फ्यूल लगेगा, कितने किलोमीटर में लगता है, वो चीज़ में आप लोगों को बता दूँगा। लास्ट में जो मैं ट्रैवल करके पूरा चला हुआ तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। वहाँ पर हम लोग अभी ढाबा पड़ेगा, तो छोटा सा ब्रेक लेंगे वहाँ पे, ज़्यादा ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि अभी पहले मेरी फर्स्ट राइड है ये मेरी बाइक पे। थोड़ी दूर जा रहा हूँ बाइक से, पहले भी पहली बार पुलिस से पहले मैं अभी गया हूँ। तो गोरखपुर जाएंगे तो बीच में हम लोग की बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, बट सब चीज़ें हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग को जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पहले जाना है, तो वो मेन है। बाकी चीज़ें हम लोग फिर कभी घूमेंगे, बाकी क्या नज़ारा है सामने नहीं हो रहा। देखते हैं मेरी पहली ट्रिप कैसे जाती है बाइक पे। आराम से मैं जाऊँगा, घूमूंगा थोड़ा सा वहाँ पे। और एक जगह मंदिर है, मंदिर मुझे बताया था, वो भी बहुत फेमस मंदिर है, देखते हुए जा पाए एक दूर, तो वहाँ जाऊँगा मैं। हम लोग यहाँ रुके थे, थोड़ा सा चिप्स वगैरह खाया है, पानी की बोतल ली है, ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं है, अभी खाने पीने का मन नहीं है। 25 किलोमीटर चला चुके हैं हम लोग, 25 किलोमीटर बाद रुके हैं क्योंकि पानी की बोतल भूल गए थे हम लोग, तो पानी लेना ज़्यादा ज़रूरी था भाई। A few moments later. अभी जो हम लोग गोरखपुर पहुँचने में 21 किलोमीटर बचा है, और एक बाईपास पड़ता है बीच में, हम लोग पापा ने बताया था कि वहाँ से जाना, तो मुझे हम लोग को गोरखपुर के थोड़ा सा आगे जाना है, मतलब गोरखपुर से 30-40 किलोमीटर हम लोग को और आगे जाना है। तो उन्होंने बताया था कि एक बाईपास पड़ेगा वहाँ से जाने के लिए, गोरखपुर के अंदर जाओगे तो काफ़ी ट्रैफिक पड़ेगा। तो हम लोग जो अभी तक गाड़ी चला चुके, मैंने ट्रिप सेट की थी करीबन लखनऊ से निकलने के 10 किलोमीटर बाद ट्रिप सेट की थी, तब से अभी तक ये चल चुकी है 229 किलोमीटर। तो 229 किलोमीटर में ये करीबन देखा जाए तो 270-260 हम लोग का पूरा गोरखपुर का डिस्टेंस होगा। हाँ कहाँ है अगर तुम्हारे सर में कितना दर्द होता है तो टोपी का नहीं लाया फिर? इतनी तेज गाड़ी में तो टोपी हमारी बची है, किनारे कहीं रोको कोई बात। यहाँ पे कोई जो रहता होगा वो बता पाएगा कि कहाँ पे है। ऑटो टेम्पो अब यही वाला है, शायद जहाँ तक यही वाला है, आगे वो टेम्पो वालों का। इनसे पूछो भैया, यहाँ ये जो पुल है ये जाके आगे कहाँ मिलेगा, जाना कहाँ है आपको? हमको जैसे कि जाना है चौरी जाना, चौरी जो जाना है कितनी जगह लोगों में जाता है ना, कोई शहर में भी जाएंगे बाईपास, बाईपास बाईपास जाएंगे तो बाईपास के लिए आप यही पकड़ लीजिए, ये नीचे वाला मत जाइएगा, पकड़ पकड़ा बड़ी गाड़ी पड़ रही है, बाईपास मिल जाएगा देवरिया रोड, रुद्रपुर ब्रिज निकल जाएंगे। हाँ वहाँ जाके करजहाँ में आप उतर जाइए। कितने किलोमीटर पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ से मान के ये कम से कम 20 किलोमीटर रुद्रपुर जितना पड़ेगा, पूरा आपका जाना पड़ेगा। क्या रुक जाए, उससे कुछ मिल जाएगा, जूस पी लिया जाए ना।
भैया जूस कि बना रखा पहले से? तो ये देखो हम लोग लखनऊ में लेते हैं दूसरी का ऐसा नहीं मिलता ना, तो बर्फ डाल के दूसरे का जी भी बना देते हैं, कलर ही चेंज हो जाता है। A few moments later. तो गांव पे हम पहुंच चुके हैं। गांव का रास्ता है ये उबड़ खाबड़, अवन का गांव है भाई का अपने, और अभी जो है मतलब गाड़ी चला के इतनी थकावन नहीं हो रही, सिर्फ गर्मी लगी है। मतलब गाड़ी में एकदम थकावन महसूस नहीं हो रही है अभी चला रहे हैं तो। 322 किलोमीटर चल चुका है, 322, और करीबन इसमें से 150 किलोमीटर अमन ने चलाया, 150 किलोमीटर मैंने चलाया, मैं तो बता ज़्यादा चला लिया, बस इतना है। और अभी इसके घर पहुंच के नहाएंगे धोएंगे। ये मेरा पहला बाइक से इतना लंबा सफ़र है भाई, मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ इतनी दूर पे। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला मेरे लिए रहा है, लेकिन आज संडे होने के कारण रास्ता खाली रहा, थोड़ा सा ये एडवांटेज मिला हम लोगों की यार, रास्ता खाली था संडे की वजह से, तो जल्दी हम लोग पहुँच गए। स्पीड भी हम लोगों ने मेनटेन रखी और ठीक है, करीबन हम लोग नहीं तो पहुँचे होंगे 8 लीटर तेल में, 8 लीटर तेल में हम लोग पहुँच गए लमसम। बस थोड़ा गांव के अंदर और है ये 1-2 किलोमीटर, फिर पहुँच जाएंगे। गांव के रास्ते में चलाने में मज़ा आती है भाई, चारों तरफ खेती खेत, बस थोड़ा सा थकावट है, वो तो अभी नहाए धोएंगे आराम मिल जाएगा। लेकिन ये गाड़ी चलाने से ये फ़ायदा, मतलब ये चीज़ मैंने देखी गाड़ी चलाने से कि इतनी थकावट नहीं हुई हम लोगों को। मेरा डिसीज़न सही था इस बाइक को लेना, तो वो मैंने ये सफ़र में देख लिया। 300 किलोमीटर कम नहीं होते भाई, 322 किलोमीटर हो भी कम नहीं होते, चलाओगे तो पता चलता है उसमें हाँ कि कितना टाइम लगता है। हम लोगों ने मुश्किल से 4 ब्रेक लिए होंगे, 4 जगह रुके थे, एक लास्ट से 5वीं जगह पर रुके थे, बस ऐसे ही थोड़ा कुछ खाने भूख लगी थी। सही है